तो ये लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 तक बता दिया था कितने इसमें हैं और टॉपिक थे क्लोज फिगर ओपन फिगर रे लाइन पैरेलल लाइन कोलिनियर पॉइंट्स ये सब हो चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कोऑर्डिनेटर्स एडजेसेंट एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट एंगल्स अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स ये पढ़ेंगे इसमें। पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स क्या होता है जैसे फिगर बनाया था इसमें तो ए फोर साइडेड पॉलीगन जिसमें इस दो से एक दो तीन चार साइड पांच छह फाइव सिक्स सेवन एट ए फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। चार साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एल्टरनेटिव भी एक क्वाड्रिलेटरल इज ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म बाय फोर लाइन सेगमेंट्स। कोई लार्ज चार लाइन सेगमेंट है उनके द्वारा जो फिगर मिलकर बना हुआ है उसको बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। ये चार साइड है 1 2 3 4 और इसमें ए बी सी डी एंगल है इसके ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। आगे एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? ये चार साइड है देखिए हमको तो एडजेसेंट साइड क्या होगी इफ दे हैव ए पॉइंट इन कॉमन टू साइड्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव ए पॉइंट इन कॉमन इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस पी क्यू एंड क्यू आर इसमें देखें हम तो पी क्यू लाइन ये है और क्यू आर ए है ठीक है तो पी क्यू और क्यू आर में इफ दे हैव ए पॉइंट इन कॉमन कौन सा पॉइंट कॉमन है ये पॉइंट कॉमन है ना पी क्यू और क्यू आर ये पॉइंट है कॉमन क्यू तो एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस पी क्यू क्यू आर एंड आर एस एस टी एस टी एंड पी क्यू आर द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। इसमें पी क्यू और क्यू आर में कौन सा पॉइंट कॉमन है क्यू इसलिए क्या होगी ना एडजेसेंट साइड। ऐसे इसमें क्यू आर और आर एस में कौन सा पॉइंट कॉमन है आर तो ये दोनों साइड क्या होगी एडजेसेंट। एक पॉइंट कॉमन जो रहता है उसको बोलते हैं तो एडजेसेंट टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन आर्म। उन दोनों में अगर कोई कॉमन आर्म है कोई कॉमन फ्रेम की साइड है जिसे भुजा बोलते हैं कॉमन है तो क्या हो जाएगा वो एंगल क्या हो जाएगा एडजेसेंट। तो एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में देखो एंगल पी एंड एंगल क्यू एंगल क्यू एंड एंगल आर एंगल आर एंगल एस एंड पी आर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। इसमें आप देखो पी क्यू एंड क्यू आर ठीक है इसमें देखेंगे हम जैसे एंगल पी एंड एंगल क्यू देखो एंगल पी और एंगल क्यू ये एंगल पी है और ये एंगल क्यू है और एंगल क्यू और एंगल आर इन दोनों में क्या है आर कॉमन और एंगल आर एंड एंगल एस में देखो एंगल आर और ये एंगल एस है ठीक है ये दोनों एंगल है एंगल आर और एंगल एस इसमें क्या है एस और एंगल एस एंड एंगल पी में ये सब क्या है
एंगल एस और एंगल बी, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ये सब क्या है? एडजेसेंट एंगल है इसके। इसमें क्या है आप देखेंगे कॉमन आ रहा है पी क्यू, इसमें पी और क्यू दोनों में कॉमन आएंगे, ये वाली बात पी इसमें भी है क्यू इसमें भी और पी इसमें भी है, तो दोनों तो क्या है एंगल पी इधर भी है सारे में भी और एंगल पी जब खींचेंगे तो इधर भी है, तो इसमें क्या है दोनों क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा एडजेसेंट। इस तरह से अपोजिट साइड्स देखेंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड है वो क्या है अपोजिट, इसको जानते हैं आप अपोजिट एंगल, एक दूसरे के एंगल जो अपोजिट है वो अपोजिट एंगल होते हैं। इस तरह से आगे आगे टॉपिक है सर्किल, सर्किल तो आप जानते हो, इसमें पहला है सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल का जो बीच वाला मिडिल पॉइंट है उसको सेंटर ऑफ सर्किल बोलते हैं, सिक्स पॉइंट होता है ये, तो क्या रेडियस ऑफ सर्किल सेंटर से कहीं भी हम लाइन में खींचते हैं हाफ तो उसको क्या बोला जाता है रेडियस, पहला है सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स और इट इज कॉल्ड द रेडियस, इसके सेंटर से कहीं भी लाइन को जाने देते हैं क्या हो जाएगा इसका रेडियस। डायमीटर ऑफ सर्किल, ये डायमीटर ऑफ सर्किल है इसका, ये पूरा डायमीटर है, तो लाइन सेगमेंट डिवाइडेड द सेंटर ऑफ द सर्किल, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड हैविंग ए सेम पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। यहां से आपने क्या इसका डायमीटर है, तो लाइन सेगमेंट होता है इसके सेंटर से पास होकर निकलता है और टू एंड पॉइंट्स को डिवाइड करता है, ये इसका डायमीटर हो गया। तो रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड सर्किल क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है टू इनटू रेडियस, ये रेडियस का डबल है, रेडियस की होती है और ये इसका डबल है टू इनटू आर, रेडियस का डबल होता है। कॉर्ड ऑफ सर्किल, कहीं पर भी कोई लाइन जैसे ये लाइन है तो लाइन सेगमेंट कॉर्ड वाइज होनी है, टू पॉइंट ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड, टू पॉइंट जॉइन कर दी कहीं भी ठीक है, लेकिन सेंटर से निकलनी चाहिए, तो इसकी क्या होती है कॉर्ड होती है। आर्क ऑफ सर्किल, जैसे कोई आर्क लगाने का लिए फिर ये दोनों क्या होती क्या हो जाएगी कोई आर्क, द पार्ट ऑफ द सर्किल विद द टू पॉइंट्स ऑन इट इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्किल, ये पार्ट है इसका जानते हैं इसको ज्वाइन किया है क्या होगी इसकी आर, पॉइंट ऑफ सर्किल से ए और बी इसकी क्या होगी आर। आगे इसके सेगमेंट ऑफ सर्किल, जो दिए रहता है तो सेगमेंट क्या होता है, ये सर्किल है द रीजन इज द इंटीरियर ऑफ द सर्किल इंक्लोज बाय आर्क एंड द करस्पोंडिंग बॉडी नोन एज सेगमेंट, जैसे मैंने आर्क बताया कि ए और बी इस एरिया को क्या है कवर कर रहा है, क्या बोला जाएगा सेगमेंट, ये सेगमेंट है इसमें जो माइनर और मेजर सेगमेंट होते हैं, तो ये माइनर यदि छोटा वाला होगा तो बाकी बचा क्या हो गया मेजर, इसको माइनर बोल सकते हैं, इसको मेजर बोल सकते हैं, जो बड़ा पार्ट होता है इसका। सर्किल में समझ पर आप बाउंड्री सर्किल की बाउंड्री में इसको अप्लाई करके लाया इसको सेंटर सेम हो, इसका सेंटर